मिशन रानीगंज आ रही है सिनेमा घरों में धूम मचाने। अक्षय कुमार के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे अभिनेता गौरव प्रतीक। सन 1994 में पहली बार अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा देखने के बाद अब उनके साथ काम करना एक सपने को साकार होते देखने जैसा लग रहा है, ये कहना है गौरव प्रतीक का। अपने जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बाद बहुत छोटी सी उम्र में अभिनेता गौरव प्रतीक ने झांसी से मुंबई तक का सफर तय किया। गौरव रीवा के रहने वाले थे तथा इनके पिता एक व्यापारी और इनकी माता सामाजिक कार्यकर्ता थी। अपने पिता को खोने के बाद ये झांसी चले गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। तभी एक दिन उन्हें लगा कि उनके अंदर अभिनय करने का जुनून भरा हुआ है। अपने जुनून के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अभिनय की दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए सपनों की नगरी मुंबई की तरफ चल पड़े। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा उनकी प्रतिभा को बहुत पहले ही पहचान लिया गया था तथा इन्हें राज्यपाल पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा सम्मानित होने के बाद इन्हें जरा भी घमंड नहीं आया और इन्होंने अपने अभिनय के जुनून को पहले की तरह ही बरकरार रखा और पूरी जद्दोजहद के साथ अपने सपने को सच करने में लग गए। गौरव प्रतीक 2016 में टूबी रेडियो के शो रूबरू विद गौरव प्रतीक के लिए रेडियो जॉकी और शो राइटर रह चुके हैं। साथ ही गौरव प्रतीक ने हाल ही में एक वीडियो गाने उफ तेरी क्या बात है व क्यों गए तुम जो हंगामा म्यूजिक एमएक्स प्लेयर व व्यू फॉर यू म्यूजिक पर उपलब्ध है। प्रत्येक सप्ताह के अंत में रेट्रो संगीत के साथ परिवार और दोस्तों के साथ आराम करना पसंद करते हैं। जब भी संभव होता है वह लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए समय समय पर सामाजिक कार्य भी करते हैं। हाल ही में गौरव प्रतीक ने मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू नाम की एक मल्टी स्टार फिल्म में अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा के साथ अपनी अहम भूमिका निभाई। इस फिल्म में अहम रोल में गौरव प्रतीक के साथ रवि किशन, अनंत महादेवन, पवन मल्होत्रा, आरिफ जकारिया आदि लोग नजर आएंगे। मिशन रानीगंज की रिलीजिंग डेट 6 अक्टूबर 2023 है। इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर टीनू सुरेश देसाई तथा प्रोड्यूसर मिस्टर बासु और पूजा भगानी लंदन से हैं। मिशन रानीगंज की कहानी कोयला खदान में फंसे 65 मजदूरों की कहानी है। जी हाँ, जो कि एक मजदूर काम करने के दौरान खदान में फंस जाते हैं। खदान में फंसने के बाद सभी मजदूरों के चेहरे पर एक डर साफ झलक आता है। तभी अक्षय कुमार एक डायलॉग बोलते हुए नजर आते हैं कि अगर अंदर एक भी जान जिंदा है तो हमारे इंतजार में है। फिल्म मिशन रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले की खदान की सच्ची घटना पर आधारित है। यह फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म को टीनू देसाई ने डायरेक्ट किया और पूजा एंटरटेनमेंट में इस प्रोड्यूस किया है। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा परिणीति चोपड़ा भी लीड रोल में है। फिल्म में उनका किरदार एक पत्रकार का है। वही फिल्म में खदान में फंसे लोगों के कुछ नाम चीन चेहरे जैसे कि रवि किशन, गौरव प्रतीक, अनंत महादेवन, राजेश शर्मा और वरुण बडोला शामिल है। आपको बता दें कि फिल्म मिशन रानीगंज भारत और इंडिया के विवाद के बीच इस फिल्म का नाम द ग्रेट इंडिया रेस्क्यू से बदलकर मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू कर दिया गया है।